चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही है, रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ था। इस मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो कर्नाटक से बड़ी खबर आपको बता रही है, बल्लारी से शबीर नाम के शख्स को एनआईए ने पकड़ा है। कैफे विस्फोट मामले में आरोपी से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। तो रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है और आखिरकार आरोपी हद से चढ़ा है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक से बड़ी खबर, बल्लारी से शब्बीर नाम के शख्स को एनआईए ने पकड़ा है। अब उससे जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और देखा जाएगा किस तरीके से उसका पूरा नेटवर्क रहा है, क्या ये पूरी मंशा रखी है इसके पीछे, विस्फोट के पीछे। रामेश्वरम कैफे में विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।